हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन फ्रॉम पटाखू.com। सो यार, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी सुपर 100 एग्जाम के बारे में। जी हाँ गाइस, एमपी सुपर 100 एग्जाम 2023 आपका ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो नोटिस नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, वहां से जाकर आप उस नोटिस को चेकआउट कर सकते हैं। आपका एमपी सुपर 100 एग्जाम 2023 का नोटिस है वो आपका 9 मई को आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपकी स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सो इस एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले जो स्टूडेंट 10th पास आउट कर चुका है, जिसके 70% से ज्यादा मार्क्स उसने स्कोर किए हैं वो 10th बोर्ड्स में, वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, सुपर 100 एग्जाम 2023 में अपियर हो सकता है। उसके बाद जिस बच्चे की क्लास 10th उसने गवर्नमेंट स्कूल से करी होनी चाहिए और उसके 70+ आने चाहिए। ये दो कंडीशन है कि बच्चे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, किन किन सेंटरों में आपको जेई और नीट की फ्री कोचिंग दी जाएगी, इसके साथ साथ क्लेट की भी। सो सुपर 100 एग्जाम जो आपका एमपी में होने जा रहा है उसमें आपको स्पेशली दो सेंटर की बार बनाए गए हैं, एक तो इंदौर में और एक आपका भोपाल में। एमपी में जो इंदौर है और एक जो भोपाल है, इन दोनों सेंटरों में आपके लिए जेई नीट और क्लेट तीनों के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। इन तीनों सेंटरों में अलग अलग सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। दोनों सेंटरों में जेई और नीट के लिए 51-51 सीटें हैं, यानी कि टोटल 102 सीटें जेई के लिए, 102 नीट के लिए और 50-50 क्लेट के लिए, यानी कि टोटल 100 सीट है क्लेट के लिए। सो ये आपकी सारी सीटें हैं जो भी आपके आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है आपके इन दो सेंटरों के अंदर। और जो बच्चा सुपर 100 एग्जाम को क्रैक करेगा उस बच्चे को आगे इन जो ये दो संस्थान बताए गए हैं, इन दोनों संस्थान में उनको IIT जेई नीट और क्लेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि वो इन फ्यूचर अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके। इसके साथ साथ अगर आपने सुपर 100 एग्जाम का सिलेबस नहीं देखा है कि क्या सिलेबस है, क्या कुछ है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी डिटेल में वीडियो आपको जल्दी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। सो आपका जो सुपर 100 एग्जाम होने जा रहा है एमपी का, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्लास 10th का बेसिक क्या, क्लास 10th की जो आपने साइंस पढ़ी थी, क्लास 10th की जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, बस साइंस वालों के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। और जो क्लास 10th के बेसिस पे आप आगे क्लेट लेना चाहते हैं जो क्लास 11th में, तो उनके लिए यार थोड़ी सी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा रहने वाला है। बाकी सारा सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है, वहां पे मेंशन है डिटेल में, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यार अगर आपने क्लास 10th साइंस से कर की है, अगर आप आगे साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, यानी कि जेई और नीट की अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके लिए यार एक साइंस की बुक है विज्ञान त्रिवेणी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि मेडिकल लाइन के लिए भी जरूरी है और नॉन मेडिकल के लिए भी, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है अगर आपने वो बुक नहीं परचेज किया तो भी आप बुक परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उस बुक में आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि बहुत सारा सिलेबस लास्ट टाइम भी पूछा गया था और इस टाइम भी, इस बार भी चांस है कि उसमें से आपका कुछ सिलेबस पूछा जाए। सो एमपी सुपर 100 वालों, आपको एक बार फिर से मैं आगाह कर देता हूं कि अगर आपने अभी तक, अगर आपको साइंस फील्ड में जाना है जेई और नीट में, तो आप विज्ञान त्रिवेणी बुक खरीद सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, मात्र 80 रुपए में, और वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आप अपने फोन में तुरंत डाउनलोड कर लोगे, परचेज करने के बाद में आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सो सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी, आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में दे दी गई है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सुपर 100 एमपी से रिलेटेड और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पटाखू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं ऐसे और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइज़।